Hello friends, welcome to WiFiStudy.com, one-stop destination for all competitive exam presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं वाईफाई स्टडी YouTube सब्सक्राइब कॉन्टेस्ट और जहां आपको मिलेगा चांस जीतने का हमारा A to Z वोकैब वीडियोस, जहां पे आपको 20 लकी विनर्स विल गेट ए फ्री एक्सेस ऑफ A to Z वोकैब वीडियोस वाया Vocab24 ऐप. एंड फ्रेंड्स, हाउ टू पार्टिसिपेट, इट्स सिंपल. यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स. और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस बेल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जहां पे हमारे जितने वीडियोस हैं उस वो सभी आपको अपने ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे. और कमेंट करना है उसके बाद आपको 100 से 1000 के बीच में, ओके, इस वीडियो के ऊपर, सिंगल वीडियो के ऊपर अगर आप एक बार कमेंट करेंगे तो आप इसके एलिजिबल होंगे. इसके अलावा हम 20 रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे random.org यूज करके, और अगर वो नंबर आपके नंबर से मैच होता है तो यू विल गेट ए प्राइज. इसके अलावा हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स. जैसे कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर है उनको सिर्फ और सिर्फ कमेंट ही करना है. अगर कोई स्टूडेंट एक से ज्यादा बार अगर कमेंट करता है यहां पे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और अगर दो यूजर सेम कमेंट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो यूजर होगा जिसने सेम कमेंट किया है उसको प्राइज मिलेगा, अगर वो नंबर मैच होता है तो. और यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी और नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. अगर आप जीतते हैं तो हम खुद आगे होके आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये प्राइज देंगे. और हमारे जो रिजल्ट अनाउंस होंगे वो होंगे 8th of March को. तो 5 दिन का ये कॉन्टेस्ट है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं हमारा A to Z वोकैब वीडियो कोर्स, जो आपके वोकैब्स को बहुत बूस्ट कर देगा. So friends, let's see the first word of the day, that is a commotion. The meaning of the commotion is a state of confused and noisy disturbance. Okay, तो commotion का मतलब क्या हुआ? शोरगुल मचाना, हंगामा मचाना, खलबली मचाना. Okay, और now let's see synonym, that is racket, uproar, tumult, ruckus and clamor. And antonyms है इसके calmness, peace and quietude. तो friends, ये word आपके लिए सभी important है, जैसे कि tumult हो गया, ruckus हो गया और clamor हो गया. ओके, तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है कि इन सभी का मतलब क्या है, शोरगुल मचाना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द लोकल्स वर वरीड अबाउट द साउंड्स ऑफ अ कमोशन दैट एमिनेटेड फ्रॉम द वाइल्डनेस. यानी कि जो लोकल लोग थे बहुत ही परेशान थे जो साउंड आ रही थी शोरगुल की, ओके, उस चीज से. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. डिमोनेटाइजेशन के बाद कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई और पार्लियामेंट में कमोशन हो गया. तो देखिए फ्रेंड्स, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो कांग्रेस हमेशा क्या कर रही थी कि चाह रही थी प्रधानमंत्री का इस्तीफा, मांग रही थी बार बार इस्तीफा. तो अगर मान लीजिए लोकसभा में कांग्रेस के पास सीटें होती तो कांग्रेस क्या करती, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती. इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव. ओके, अविश्वास प्रस्ताव कि सरकार बदलने के लिए लाया जाता है. तो देखिए, कांग्रेस और मोशन अगर ये लेके आई तो क्या हो गया, कमोशन हो गया, हंगामा हो गया. ओके, हमेशा ऐसा होता ही है पार्लियामेंट में कि कभी भी कोई मुद्दे पे ज़्यादा बहस हो जाती है तो कमोशन हो जाता है. तो ओके, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई और पार्लियामेंट में कमोशन हो गया. तो देखिए, इस तरीके से ये वर्ड आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं. कांग्रेस से CON हो गया, ओके, और मोशन से अपने वाला एंड वाला वर्ड हो गया. तो डिमोनेटाइजेशन के बाद कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई और पार्लियामेंट में क्या हो गया, कमोशन हो गया, यानी कि शोरगुल मच गया, हंगामा हो गया. नाउ लेट्स सी अनदर वन. Puritanical, having or displaying a very strict or censorious moral attitude, practicing very strict moral or religious behavior. तो बहुत सख्त नैतिकतावादी, तो यानी कि जो पर्सन बहुत सख्त होता है अपने मॉरल एटीट्यूड को लेके, अपने रिलीजियस बिलीव को लेके, ओके, जैसे कि रशियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसराइली लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से अपन इनको देख सकते हैं. तो इसके सिनोनिम क्या है, प्रिगिश, स्ट्रेट लेस्ड एंड मॉरलिस्टिक एंड प्रुडिश. और एंटोनिम्स है परमिसिव. Now let's see the example. My parents are extremely puritanical and will not allow me to date. यानी कि मेरे parents कैसे हैं, बहुत ही सख्त है, नैतिक चीज़ों के ऊपर हैं और ये मेरे को डेट करना अलाउ नहीं करेंगे. अब देखते हैं ट्रिक. देखिए, पुतिन puritanical है. देखिए, पुतिन कौन है, व्लादिमिर पुतिन की बात कर रहे हैं अपन, जो रशियन प्रेसिडेंट है. तो पुतिन कैसे हैं, बहुत ही सख्त है, मॉरल एटीट्यूड उनका हमेशा हाई रहता है. ओके, कि कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, किसी भी देश को धमकी कभी भी रशिया दे देता है, डजेंट मैटर वॉर हो या ना हो. ओके, तो पुतिन कैसे हैं, puritanical हैं. तो देखिए, पुतिन और puritanical दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. तो इस तरीके से अपन इस वर्ड को पुतिन से, व्लादिमिर पुतिन से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं. अगर वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो पुतिन सबसे ज़्यादा सख्त है, सख्त लीडर में से एक है. ओके, तो इसलिए पुतिन puritanical है, यानी कि बहुत ही सख्त है अपने एटीट्यूड को लेके. देखते हैं अगला. एट्रोसिटी, ए हॉरिफिक एक्शन, इनॉमिटी, हीनियसनेस, नेफारियसनेस, विकडनेस या फिर फियंडिशनेस. ओके, तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है. और इन सभी का मतलब क्या होता है, एट्रोसिटी यानी कि बहुत ही हॉरिफिक एक्शन, जो बहुत ही खराब एक्शन हो, बहुत ही वाइल्ड हो, ओके, वर्स्ट हो. और एंटोनिम्स के काइंडनेस, प्लेजेंटनेस, जेंटलनेस एंड माइल्डनेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द 911 ऑपरेटर्स ड्रिंकिंग प्रॉब्लम
led to an atrocity that resulted in the death of 3 children. यानी कि 911 operator जो था उसके drinking problem की वजह से उसने क्या किया, एक बहुत ही horrific action किया जिसके वजह से क्या हुआ, 3 बच्चों की death हो गई, यानी कि accident हो गया उसके drink करने की वजह से. अब देखते हैं इसके related word, atrocious यानी कि भयानक, atrociously यानी कि भयानक रूप से. अब now let's see the trick. इस सिटी में बहुत एट्रोसिटी होती है, तो यानी कि देखिए इस सिटी में बहुत एट्रोसिटी होती है, तो ये एक सिटी है कोई एक्स नाम की सिटी है, तो इस सिटी में क्या होती है, बहुत एट्रोसिटी होती है यानी कि बहुत हॉरिफिक एक्शन होता है. ओके तो इस तरीके से अपन इसको सिटी, देखिए सिटी से इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं. अगर अगली बार आपके पेपर में ऐसा वर्ड आएगा तो आप सिटी से रिलेट कर लेंगे कि यह कोई बेकार सिटी थी, यानी कि यहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत ही खराब काम होता है. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इस सिटी में बहुत एट्रोसिटी होती है, यानी कि बहुत ही हॉरिफिक एक्शन होते हैं. और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर सके आपके आने वाले पेपर के लिए. सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला मीनिंग, अपॉलिंग. द मीनिंग ऑफ अपॉलिंग इज वेरी बैड इन अ वे दैट कॉजेज फियर, शॉक और डिसगाइज्ड. वेरी बैड, तो कोई चीज़ जो बहुत घटिया होती है, भयानक होती है, ओके बहुत वर्स होती है, उसको अपन बोलते हैं अपॉलिंग. ये एक एडजेक्टिव है और सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज ऑफुल, डायर, वर्स, बैड, टेरिबल एंड हॉरिबल. और एंटोनिम से प्लीजिंग, कामिंग, delightful, comforting, good and nice. Okay, तो फ्रेंड्स इसके synonym antonyms कोई हार्ड नहीं है, इसलिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. और now let's see the example, the appalling crime garnered attention worldwide. यानी जो ये बहुत ही जो घटिया क्राइम था, इसने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, appallingly यानी कि भयानक रूप से. अब देखते हैं इसके ट्रिक, इस ट्रिक के बाद में देखिए आप हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे. अब आप लोगों के लिए एप्पल का प्राइस अपॉलिंग है, तो देखिए अगर अपॉलिंग है तो देखिए मैं यहाँ पे एप्पल और अपॉलिंग को रिलेट कर रहा हूँ, दोनों ही सुनने में एक जैसे वर्ड लगता है. तो मान लीजिए अगर एप्पल का प्राइस 300 रुपये पर केजी हो गया है तो बहुत लोगों के लिए कैसा हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा. ओके, बहुत ही वर्स्ट प्राइस हो जाएगी है. तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं कि अब आप लोगों के लिए एप्पल का प्राइस अपॉलिंग है. तो एप्पल और अपॉलिंग देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. तो अपॉलिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ही घटिया, शॉक लगना, फेयर में आ जाना, अगर ऐसे प्राइस पहुंच जाएंगे तो ऐसा हो ही जाएगा. तो अब आप लोगों के लिए एप्पल का प्राइस अपॉलिंग है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज कंडोन. द मीनिंग ऑफ द कंडोन इज टू डिसरिगार्ड और ओवरलुक समथिंग इलीगल, ऑब्जेक्शनेबल एक्सेट्रा, टू गिव टैसिड अप्रूवल टू. तो अनदेखी करना, भूल जाना किसी चीज़ को, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, इग्नोर करना, इन सभी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, कंडोन. ओके, ओवरलुक करना. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स, दैट इज सेंसोर या फिर कंडम. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल, टू कंडोन योर रिसेंट एबसेंस फ्रॉम माई क्लास, आई विल नीड ए रिटर्न नोट फ्रॉम योर पेरेंट्स और गार्जियन. तो यानी कि अगर मैं आपकी जो रिसेंट एबसेंसेज है उनको अनदेखी करने के लिए मुझे रिटर्न नोट चाहिए आपके पेरेंट्स से या फिर गार्जियन से. अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, कंडोन, कंडोन्ड एंड कंडोन्ड. अब देखिए इसके ट्रिक, आप कभी नहीं भूलेंगे इसके मीनिंग के, जो मीनिंग है एक्चुअल इसको. ओके, इस ट्रिक के बाद में, कौन है जो डॉन के काम को कंडोन करेगा, कौन है, ओके या फिर कौन डॉन के काम को कंडोन करेगा, इस तरीके से याद करिए, कौन है जो डॉन के काम को कंडोन करेगा. तो देखिए कौन भी आ गया है और डॉन भी आ गया है. ओके, कि कौन है ऐसा दुनिया में, कोई है जो डॉन के काम को भूल जाएगा, कोई नहीं भूलेगा. अगर दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे में किसी अपने बंदे को कुछ काम के लिए बोला है तो वो भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा. ओके, तो इस तरीके से अपन इसको याद कर रहे हैं कि कौन डॉन के काम को कंडोन करेगा, कंडोन यानी कि भूल जाना. नाउ लेट्स सी अनदर वन, सेंटिएंट, एबल टू परसीव और फील थिंग्स, संवेदनशील. तो जो बहुत ज़्यादा फील लेने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, उन सब लोगों को अपन बोलते हैं सेंटिएंट. सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज केपेबल ऑफ फीलिंग, अवेयर, रेस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव. एंड एंटोनिम्स है इग्नोरेंट या फिर इनअटेंटिव या फिर इनसेंटिएंट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ह्यूमंस आर नॉट द ओनली सेंटिएंट बीइंग्स, एलिफेंट्स आर वेरी इमोशनल एंड परसेप्टिव मैमल्स एज वेल. यानी कि ह्यूमंस ही सिर्फ सेंटिएंट नहीं है, एलिफेंट्स भी बहुत इमोशनल होते हैं. ओके, और उन्हीं मैमल में से एक है जो बहुत ज़्यादा परसेप्टिव होते हैं. नाउ लेट्स सी द ट्रिक, जो ज़्यादा सेंटी होते हैं वो सेंटिएंट होते हैं. तो देखिए कितना आसान है याद करना, सेंटी और सेंटिएंट. ये वर्ड सेंटी वर्ड आपने बहुत यूज़ किया होगा, जो अब आपके दोस्त के लिए या फिर किसी हमेशा स्कूल में कॉलेज में सेंटी वर्ड. ओके, तो जो बहुत सेंटी होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंटिएंट होते हैं. सेंटिएंट मतलब जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जिनको थोड़ा सा कुछ बोलोगे वो रोने लग जाएंगे, ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं सेंटिएंट. नाउ लेट्स सी अनदर वन, टर्मोइल. द मीनिंग ऑफ टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी. बखेड़ा खड़ा करना, खलबली मचा लेना, उनको अपन बोलते हैं टर्मोइल. सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज टर्बुलेंस, टुमिल्ट, डिसऑर्डर, कमोशन, डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रप्शन. और एंटोनिम से कामनेस, कंफोजर, कंटेंटमेंट या फिर ट्रैंक्विलिटी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके,
ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कमोशन अपन ने पहले अभी थोड़ी देर पहले ही इसको कवरअप किया है, जहाँ पे अपन ने याद किया था कि कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए पार्लियामेंट गई और पार्लियामेंट में कमोशन हो गया। ओके, तो कमोशन का मतलब था बखेड़ा होना और टर्मोइल का भी मतलब है बखेड़ा खड़ा होना। तो दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं और आपको ध्यान रखना है। ट्रैंक्विलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है और देखते हैं एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल टर्मोइल इन आर कंट्री मैनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, कि फाइनेंशियल बखेड़ा खाना होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई देश में। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। अब देखिए इसको भी याद करने का कितना आसान तरीका है। तृणमूल की वजह से बंगाल में टर्मोइल है। तो देखो तृणमूल कांग्रेस, ये नाम सुना होगा ना आपने, ममता बनर्जी की पार्टी है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, बंगाल में टर्मोइल है यानी कि बखेड़ा है। तो अपन सिर्फ याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ओके कि तृणमूल की वजह से बंगाल में टर्मोइल है। तो देखिए तृणमूल और टर्मोइल दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि तृणमूल की वजह से बंगाल में टर्मोइल है। नाउ लेट्स अनदर वन। क्लॉक, हाइड कवर और डिसगाइज समथिंग, छिपाना आवरण डालना किसी को, कवर कर लेना, उसको अपन बोलते हैं क्लॉक। नाउ लेट्स सी अनदर, दैट इज कंसील, हाइड, कवर, वेल, श्रोड, स्क्रीन एंड मास्क। और एंटोनिम्स हैं रिवील, अनकवर करना या फिर अनरैप करना। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। ड्यू टू हिज शाय नेचर ही क्लोक्ड हिज सिंगिंग टैलेंट इन द कंपनी, यानी कि उसके शाय नेचर की वजह से उसने अपने टैलेंट को, उसका जो सिंगिंग टैलेंट है कंपनी में, वो छिप गया। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, क्लोक, क्लोक्ड एंड क्लोक्ड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। टाइम नहीं देख पा रहा हूँ, बच्चे ने घर की क्लॉक क्लोक कर दी। तो देखिए क्लॉक और क्लोक दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अगर आपके घर में आपको टाइम देखना है, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, बैटरी नहीं है, ओके, और बच्चे ने घर की जो क्लॉक है वो क्लोक कर दी यानी कि उसको छिपा दी। देखिए क्लॉक और क्लोक सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में और आप इससे इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, छिपाना। ओके, क्लॉक क्लोक कर दी यानी कि छिपा दी। नाउ लेट्स अनदर वन। पैराफर्नेलिया, मिसलेनियस आर्टिकल्स स्पेशली द इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, अबंडर या फिर साज सामान। ओके, तो पैराफर्नेलिया का मतलब क्या होता है, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, उनको अपन बोलते हैं पैराफर्नेलिया। जैसे इक्विपमेंट हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, स्टफ हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, एपरेटस या फिर कोई मटीरियल। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इनसाइड ऑफ द सुप्रीमेसिस्ट कैंप, अथॉरिटीज स्टंबल्ड अपॉन अ ग्रेट डील ऑफ एंटी गवर्नमेंट पैराफर्नेलिया। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। देखिए फ्रेंड्स, पैराफर्नेलिया का ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि मिडाइवल लैटिन के टाइम से आया हुआ है। ओके, फ्रॉम ग्रीक पैराफर्निया, फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से किस से यह इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका ब्राइड का मतलब होता था ब्राइड प्रॉपर्टी की जो होती थी। ओके, जो डॉरी के अलावा जो उसको रिक्वायरमेंट होती थी उसको अपन ये बोलते थे पैराफर्ना। तो पैरा का मतलब होता था बियॉन्ड और फर्ना का मतलब होता था डॉरी। तो डॉरी के अलावा जो चीज़ें चाहिए होती थी एक ब्राइड को, उसको बोलते थे पैराफर्नेलिया। ओके, तो वहाँ से ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पैराग्राफ को लिखने के लिए पैराफर्नेलिया चाहिए। तो देखिए कितना आसान है आपके लिए इस वर्ड को याद करना, कि अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है उसके लिए आपको पेंसिल या पेन चाहिए, और वो पेन क्या है, पैराफर्नेलिया है, क्योंकि ये पैराग्राफ लिखने की आपको एक्टिविटी पूरी करनी है, और उस एक्टिविटी को पूरी करने के लिए जिस इक्विपमेंट का, मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो पैराफर्नेलिया है, वो क्या है, पेंसिल है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि पैराग्राफ को लिखने के लिए पैराफर्नेलिया चाहिए। नाउ लेट्स सी अनदर वन। सेक्रेट, डेडिकेटेड टू अ रिलीजियस पर्पस एंड सो डिजर्विंग वेनरेशन। तो कोई भी चीज़ जो बहुत पूजनीय होती है, पवित्र होती है, होली होती है, उसको अपन बोलते हैं सेक्रेट। ओके, सिनोनिम्स के होली, हॉलोड, ब्लेस्ड, कंसेक्रेटेड या फिर सैंक्टिफाइड। ओके, जिसमें यहाँ पे ये हॉलोड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नाउ, और ये भी साथ में कंसेक्रेटेड भी। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम, दैट इज प्रोफेन, अनगॉडली, अनहोली या फिर अनसेक्रेट। तो प्रोफेन भी आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर मोस्ट क्रिश्चियंस क्रिसमस इज अ सेक्रेट हॉलीडे, यानी क्रिश्चियंस के लिए क्या है, क्रिसमस कैसा है, एक पूजनीय हॉलीडे है। ओके, नाउ लेट्स सी द ट्रिक। पेरेंट्स सेक्रेट होते हैं, उनसे सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए। तो देखिए सभी को पता है कि पेरेंट्स से बड़ा पूजनीय पवित्र को नहीं है इस दुनिया में। ओके, तो पेरेंट्स सेक्रेट होते हैं और उनसे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए सीक्रेट छुपाएंगे तो आपकी उम्र से वो भी गुजरे हैं, तो अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, तो कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए। तो सेक्रेट और सीक्रेट, देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स है। ओके, दोनों ही एक जैसे वर्ड्स है। तो पेरेंट्स सेक्रेट होते हैं, उनसे कोई सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए। इस तरीके से अपन इसको ईजिली याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस अपन एक बार इन सबको रिवाइज करते हैं। पहला था अपना कमोशन, कमोशन का मतलब शोरगुल मचाना। प्यूरिटानिकल यानी कि बहुत ही सख्त नैतिकतावादी। एट्रोसिटी बहुत ही हॉरिफिक एक्शन वाली सिटी जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हो। अपॉलिंग बहुत ही घटिया। कंडोन यानी कि अनदेखी करना, किसी को भूलना। सेंटिएंट संवेदनशील। टर्मोइल बखेड़ा खड़ा करना। क्लोक छिपाना।
पैराफर्नेलिया कोई भी मटेरियल एक्टिविटी के लिए जो चाहिए होता है, और सैक्रेड पूजनीय या फिर पवित्र है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने फोर्थ मार्च को आपसे पूछा था। द डिक्टेटर ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंसर्जेंट हु सॉट टू डैश हिज अथॉरिटी। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत लोगों ने आंसर सही जवाब दिया है, 100% नियर बाय लोगों ने सही आंसर किया है। ओके, और वो है उसका आंसर है सबवर्ट। तो सबवर्ट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब क्या होता है, ओवरटर्न करना, ओवरथ्रो करना, तख्ता पलट करना। तो डिक्टेटर ने क्या किया, उन सभी को एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर दिया जो तख्ता पलट करना चाहते थे। सो फ्रेंड्स आज का डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। रेसिज्म इन द 21st सेंचुरी इज स्टिल ए डैश रियलिटी इन द वर्ल्ड बट वी हैव कम ए लॉन्ग वे इन मेर डेकेड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लगाना है जो कि सही हो। एंड फ्रेंड्स वी आर यू नीड टू गिव द आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, वी आर वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शंस है और इसमें से ही आपको पिक करना है। एंड फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोज एंड फॉर डेली न्यूज पेपर एडिटोरियल्स वो कैप्स एंड क्विज। डाउनलोड वो Vocab24 ऐप नाउ एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर फीडबैक वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। होप यू लाइक दिस वीडियो।